नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। सीएम योगी की स्किल मैपिंग मुहिम को कामयाबी मिली है। सरकार का सीआईआई एआईआई एमएसएमआई नरेडको से करार, और कल प्रवासियों के लिए 9.5 लाख का करार हुआ, कल होगा। और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख श्रमिक मांगे हैं। तो नरेडको ने 2.5 लाख, सीआईआई ने 2 लाख श्रमिक मांगे हैं। सभी प्रवासी मजदूरों को अब रोजगार मिलेगा, और उसके लिए मान लीजिए पहली खेप जो 9.5 लाख मजदूरों की है, उनको अब जल्द ही रोजगार मिलेगा। बकायदा करार किया जा चुका है सीआईआई एआईआई एमएसएमआई और नरेडको के साथ, और किसने कितने मजदूर मांगे हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख श्रमिक, नरेडको ने 2.5 लाख, सीआईआई ने 2 लाख श्रमिक मांगे हैं। तो एक तरीके से इन मजदूरों को, प्रवासियों को रोजगार का इंतजाम जो सरकार कर रही थी, अब बहुत जल्द उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। माइग्रेंट कमीशन इसके लिए पहले ही बनाया जा चुका है। कुछ उद्यम इकाइयां भी सरकार के टच में है जिन्होंने मजदूर मांगे हैं, और उसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब इसका करार कर लिया गया है सीआईआई एआईआई और एमएसएमआई नरेडको के साथ। तो सवाल ये उठ रहे थे लगातार कि जो योगी सरकार सभी को राज्य में ही काम देने का दावा कर रही है, क्या वो दावे जमीन पर उतरेंगे। और सवाल जायज इसलिए थे क्योंकि पहले भी इस तरीके की तमाम बातें हुई, लेकिन जमीन पर हालात सिफर ही थे। लेकिन अब उसे एक व्यवस्था का जामा पहनाने की कोशिश भी हो रही है, और बाकायदा सीआईआई एआईआई एमएसएमआई नरेडको से करार हो रहा है। 9.5 लाख जो प्रवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख श्रमिक मांगे हैं, नरेडको ने 2.5 लाख, सीआईआई ने 2 लाख श्रमिक मांगे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्किल मैपिंग प्रवासियों की करवाई जा रही थी, शायद यही वजह रही होगी कि इन संस्थानों से करार आगे बढ़े, इसके लिए स्किल के आधार पर रोजगार मिले। पहले इस पर सरकार काम कर रही थी। और अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही कि जिस रोजगार की श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए बात हो रही थी, 9.5 लाख मजदूरों श्रमिकों को जल्द काम मिलेगा। क्या ये स्किल्ड लेबर है या फिर नॉन स्किल्ड लेबर है, और क्या जानकारी मिल पाई है इससे संबंधित? देखिए, आपदा को संपदा में बदलने की कोशिश जो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, यही नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में केवल और केवल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार कैसे मुहैया हो, इस पर बात की। और एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, 9.5 लाख ऐसे जो प्रवासी श्रमिक आए हैं जिनकी स्किल मैपिंग हुई है, उनको रोजगार मिलने जा रहा है। तमाम ऐसे संगठन हैं, औद्योगिक संगठन हैं, जिनसे एक एमओयू साइन करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, और 9.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। अब तक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने लगभग 15 लाख ऐसे हुनरमंदों को मैपिंग की हुई है कि वो आखिर जो प्रवासी ऐसे श्रमिक हैं जो बाहर रहते थे, आखिर करते क्या थे। यानी मुख्यमंत्री का एक मिशन है, हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार। यानी जो आपदा आई थी, जो विपत्ति थी, जो एक तरह से संकट है, जो प्रवासी श्रमिकों को अन्य राज्यों ने भगा दिया, जिन्हें रोजगार नहीं दिया, और ऐसे विपत्ति काल में उनको उन्होंने पूछा नहीं, उन्हीं जो रोजगार, जो हुनरमंद लोग हैं, उनको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने कहा है, एक मंत्र दिया है कि आपदा को हम संपदा में बदलेंगे और हर घर को रोजगार देंगे, हर हाथ को काम देंगे। तो इस मिशन के तहत मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं आस्था, और यही वजह है कि 9.5 लाख ऐसे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार कल मिलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है वीरेश जी कि सीआईआई एआई और ये तमाम जो संस्थान से करार हो रहा है, किस तरीके से रोजगार मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, पूरा खाका क्या है, क्या वो सामने आ पाया है? देखिए, खाका ये है कि पहले जो स्किल मैपिंग हुई है, जिसमें मैंने बताया कि 15 लाख ऐसी स्किल मैपिंग हो चुकी है, और अभी 10 लाख और मैपिंग होनी है, या जितने और मजदूर आ जाएंगे उनकी होगी। देखिए, कौन हुनरमंद क्या काम करता था, अगर इन्हीं मजदूरों के बदौलत हरित क्रांति आई पंजाब में, इन्हीं मजदूरों के बदौलत औद्योगिक राजधानी बनी मुंबई, आईटी का हब बना बेंगलोर, और तमाम ऐसे औद्योगिक जो महानगर हैं उनका विकास हुआ, ये हुनरमंदों की ही ताकत थी। उत्तर प्रदेश
का जो मानव संसाधन है, जो स्किल्ड लेबर है, जिसके बल पर ये दूसरे महानगर बड़े बड़े महानगर बने। इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि जो महानगरों को बेहतर बना सकता है वो हमारे गाँव को, हमारे कस्बों को, हमारे जिलों को भी सुंदर बना सकता है। और मैं आपको बताऊं कि कोई ट्रैक्टर का काम करता था, कोई रियल इस्टेट में काम करता था, कोई कार बनाता था, कोई बहुत बड़ी इमारतें बनाता था, तमाम तरह का हुनर था। और यही जो ताकत थी जिसके बदौलत मैं आपको बताऊं कि उत्तर भारतीय जाकर दूसरे राज्यों में एक तरह से उनका वर्चस्व हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां आज वोटर्स इतनी बड़ी संख्या है उत्तर भारतीयों की, और खासकर हम पूरब लोग के लोगों की रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में गए थे, लेकिन कोरोना नाम की जो आपदा आई उसके बाद अपने राज्य में लौटने को मजबूर हुए ये कामगार, और अब खाली हाथ लौटे हैं। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उनके रोजगार की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिरेश अहम जानकारी के लिए। और अब एक बड़े खबर का रुख हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना मामलों में एक बार फिर से उछाल आया है। आज दोपहर तक 24 और नए मामले पूरे प्रदेश में सामने आए हैं, और इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में बढ़कर 493 जा पहुंची है। एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। सिर्फ 24 मामले आज सामने आए हैं, जहां मरीजों की संख्या बढ़कर 493 तक जा पहुंची है। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, और वजह जो सरकार बता रही है वो ये कि जो प्रवासी वापस आ रहे हैं, जो लोग दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, उनके कारण ये संक्रमण फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से मामलों में उछाल आया। 24 मामले अब तक दर्ज किए गए, यानी अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और 24 नए मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर 493 आंकड़ा जा पहुंचा है उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का। जो ट्रेनें पहुंच रही हैं, बसों के माध्यम से जो लोग लौट रहे हैं, काफी इन्फेक्शन के केसेस उनके बीच से आ रहे हैं, और साथ ही जब तक इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है तब तक कई और संक्रमण के मामले सामने आ चुके होते हैं। तो एक तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामले में जो उछाल देखा जा रहा है वो आने वाले समय में फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज दोपहर तक, पूरा दिन अभी बीता भी नहीं है, 24 केस सामने आ गए, नए मामले हैं, और कुल मिलाकर 493 आंकड़ा जा पहुंचा है उत्तराखंड का कोरोना के मामले में। प्रदेश सरकार इंतजाम के लाख दावे कर रही है, क्वारंटीन के दावे किए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई केस बीच से निकलकर सामने आ रहा है जिसके कारण ये इन्फेक्शन फैल रहा है। और जब तक पूरी ट्रेसिंग हो पाती है, आसपास के लोगों तक पहुंच पाता है प्रशासन, तब तक संक्रमण की चेन आगे बढ़ चुकी होती है। तो कुल मिलाकर 493 केस अब तक उत्तराखंड में कोरोना के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन दिनों मरीजों की काफ़ी चिंता सता रही है, लिहाजा रोज वो अस्पतालों के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। कल भी सीएम ने आरएमएल अस्पताल का दौरा किया था और आज उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां पर मौजूद मरीजों के परिजनों से बात की। आपको बता दें कि कल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। तो देखिए तस्वीर एक बार फिर से, आरएमएल अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचे, कल भी पहुंचे थे, कल भी उन्होंने व्यवस्थाओं पर जायजा लिया था, लोगों से बात की थी जो वहां पर पहुंचे हैं, और आज भी वो पहुंचे थोड़ी देर पहले, और जहां पर व्यवस्थाएं गड़बड़ दिखी उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है। और खास तौर से जब कल तस्वीरें उनके सामने आई उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर जो मरीजों के परिजन हैं उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। ये आरएमएल अस्पताल की तस्वीर है, और आज उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया है, कल आरएमएल में गए थे, वहां पर मरीजों के परिजनों से उन्होंने बात की। आपको बता दें कि कल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को फटकार लगाई थी, और अब वो समझ चुके हैं कि जमीन पर उतरकर ही पता चल पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, और मंत्रियों को फटकार लगे तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए दो तस्वीर, आज की पहली तस्वीर है, सिविल अस्पताल पहुंचे थे और कल आरएमएल अस्पताल पहुंचे जहां पर कई अव्यवस्थाएं उनको देखने को मिली थी। मंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। कल की अगर बात करें तो बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण के लिए आरएमएल अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहां सारी चीज़ों को देखते हैं, ज़रूरी निर्देश देते हैं, और आज
गुरुवार की अगर बात करें तो सुबह तकरीबन 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास, यहां से मुख्यमंत्री को निकलना था, सीधे लोक भवन जाना था। और लोक भवन के लिए जो मुख्यमंत्री का रूट रहता है, हम आपको अगर दिखाएं इस तरफ तो ये रास्ता जाता है जहां पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर से मुख्यमंत्री आवास के लिए ये रास्ता होते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं, इस चौराहे पर आते हैं, यहाँ से राजभवन जाते हैं, राजभवन होते हुए विधानसभा, और वहाँ से वो जीपीओ होते हुए सीधे लोकभवन पहुँचते हैं। लेकिन आज सुबह 10:10 रहे होंगे और उस समय मुख्यमंत्री के का रूट लगा और यहाँ पर अलर्ट किया गया कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात जवान हैं उन्हें भी लगा कि सीधे लोकभवन जाएंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने रूट बदला, इधर ना जाकर बल्कि वो सामने इस चौराहे से बिल्कुल सामने जो रास्ता जा रहा है उस तरफ उधर गए और सिविल अस्पताल यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और अचानक वहाँ पहुँच गए औचक निरीक्षण करने। वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर बना है उसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। लगातार मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक करते हैं, उसमें तमाम सारे फीडबैक उन्हें मिलते हैं और उन्हीं फीडबैक के आधार पर अब मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतर रहे हैं, रियलिटी को चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो बात बैठकों में अधिकारी कहते हैं कि सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं वो वाकई मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। यही वजह है कि आज सुबह मुख्यमंत्री लोकभवन जाने की बजाय रूट बदलकर सीधे सिविल अस्पताल पहुंच गए, क्वारंटीन सेंटर गए, वहां पर देखा, सारी सुविधाओं को जाना, जो बातें कही जा रही हैं क्या क्वारंटीन सेंटर में वो सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, इस पर वहां अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनसे भी बात की। कल भी जब RML का दौरा किया था तो भी ज़रूरी निर्देश दिए थे। और देखिए, इसके जरिए एक संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, यूपी के जो 75 ज़िले हैं सभी जगहों के जो अधिकारी हैं उनको साफ संदेश दिया है कि जो सुविधाएं देने की बात सरकार ने कही है वही सुविधाएं अस्पतालों में, क्वारंटीन सेंटर में दी जाएं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई औचक निरीक्षण में पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख हम करने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला बोला है। प्रवासियों को लेकर प्रियंका गांधी ने यह निशाना बीजेपी सरकार पर साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है, भारत माता रो रही है, पूरा देश रो रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। आखिर क्यों मौन है प्रधानमंत्री, ये सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने। और साथ ही अजय कुमार लल्लू जो कि यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें लेकर भी प्रियंका गांधी ने कहा है कि लगातार वो वहां पर लड़ रहे हैं, हमारा कर्तव्य है और हम आवाज उठाएंगे, न्याय के लिए लगातार आवाज उठाएं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर फेसबुक सब पर एक्टिव हो जाएं, लेकिन अपनी बात कहें, विरोध करें, आवाज उठाएं। ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए, जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो सबसे ज़्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। इस देश की एक एक माँ इस दृश्य को देख रही है, एक एक माँ उस माँ के दिल के साथ जुड़ी हुई है, एक एक माँ रो रही है, हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बलिया से है, जहां पर कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं और अब जिले में संक्रमितों की संख्या 35 हो गई है। आज 4 और नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले। पहले से ही बलिया में 31 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे जिनको आइसोलेट किया गया और आज 4 नए मामले मिलने के बाद कुल आंकड़ा 35 पहुंच गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं।
अजय भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है, क्या हालात है फिलहाल बलिया में? जी, आपको बता दूं कि प्रवासी लोगों का जब से बड़े महानगरों से आना शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ जो है बलिया में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। आज फिर 4 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और ये लोग भी प्रवासी ही हैं। और इसको लेकर के आप पिछले इसके पहले 31 की संख्या थी, आज 4 नए मिलने के बाद से कुल संख्या 35 हो गई और ये लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये सारा ये मामला इसलिए बढ़ रहा है कि जो प्रवासी बड़े महानगरों से जो लौट के आए हैं उनकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है। शुक्रिया अजय जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। रायबरेली में विवाद की खबर है जहां पर मंदिर पर सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। ईंट पत्थर चल गए, मारपीट हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो मुरैनापुर से सामने आई। यहां पर मंदिर पर सफाई को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद हालात क्या बने आपके सामने हैं। साफ सफाई मंदिर की होनी थी लेकिन हालात ऐसे बन गए कि यहाँ पर महाभारत खड़ी हो गई। रायबरेली की तस्वीर है जहाँ पर देखते ही देखते एक छोटी सी बात पर बवाल हुआ, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं और आपस में पूरा का पूरा मोहल्ला उलझ गया। तो ये हालात है रायबरेली की। मामूली सी बात थी कि मंदिर में सफाई को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ लेकिन देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे और लॉकडाउन की चिंता छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता छोड़िए, एक दूसरे के कैसे ये लोग खून के प्यासे हो गए। ये तस्वीरें हैरान करती हैं। तस्वीरें रायबरेली की मुरैनापुर की हैं जहां पर मंदिर में साफ सफाई को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद साफ सफाई छोड़िए लोगों की जान के दुश्मन ये लोग बन गए और जिसने जिसको पाया उसको पीट रहे हैं। आप देखिए महिलाएं अलग उलझी हुई हैं, पुरुष अलग उलझे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। कानून व्यवस्था की तो बात ही मत करिए। वहीं एक और झगड़े की खबर यूपी के हाथरस से सामने आई है जहां दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया और दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे चले मारपीट हुई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में यहां पुलिस पहुंची लेकिन फिर भी लोग लड़ते रहे। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं जबकि मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया। मामला कोतवाली सिकंदरा राव के जीटी रोड के क्रीड़ा स्थल के पास का है। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर झगड़ा हुआ, मामूली सी बात पर कहा सुनी हुई, बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। हैरत की बात, पुलिस आ गई बीच बचाव करने लेकिन फिर भी ये लोग लड़ते रहे आपस में, ऐसे ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते रहे। आखिरकार इस मामले को शांत कराया गया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।